नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में सर्वप्रथम हम प्रोपोजिशनल लॉजिक सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम प्रपोजिशन किसे कहते हैं तथा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है यह सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। कोई प्रपोजिशन कब वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला कहलाता है यह सीखेंगे। टोटोलॉजी तथा कॉन्ट्रडिक्शन किसे कहते हैं यह सीखेंगे। दो प्रपोजिशंस कैसे इक्विवेलेंट कहलाते हैं यह सीखेंगे तथा प्रपोजिशंस के इम्प्लीकेशंस सीखेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है तथा कब यह वैलिड आर्गुमेंट बनता है यह सीखेंगे। अंत में हम प्रेडिकेट सीखेंगे। आइए प्रपोजिशन डिफाइन करने से पहले कुछ सेंटेंसेस को उनके ट्रू या फॉल्स होने के लिए चेक करते हैं। पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरे को आप ट्रू अथवा फॉल्स नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक वेरिएबल एक्स यूज किया गया है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और चौथा आदेश है। प्रपोजिशन एक ऐसे सेंटेंस हैं जो कि ट्रू या फॉल्स होते हैं पर एक साथ ट्रू अथवा फॉल्स नहीं हो सकते। उपरोक्त सेंटेंसेस में केवल वन तथा टू प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशन को डिनोट करने के लिए हम लेटर्स जैसे कि पी क्यू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर पी से हमने सेंटेंस आई वॉच अ मूवी को डिनोट किया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपाउंड प्रपोजिशन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेगेशन, किसी प्रपोजिशन पी का नेगेशन नॉट पी होता है, अर्थात यदि पी ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स होगा। उदाहरण के लिए यदि पी आई गो टू स्कूल को डिनोट करता हो तो नेगेशन पी आई डू नॉट गो टू स्कूल होगा। दिखाई गई टेबल में आप नेगेशन पी की ट्रुथ वैल्यूज देख सकते हैं। डिजंक्शन, कोई दो प्रपोजिशंस पी तथा क्यू का डिजंक्शन पी और क्यू होता है। पी और क्यू में किसी एक की भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होने पर पी और क्यू भी ट्रू होगा। उदाहरण में देखें, यदि पी आई गो टू स्कूल को तथा क्यू आई प्ले फुटबॉल को डिनोट करता हो तो पी और क्यू आई गो टू स्कूल और आई प्ले फुटबॉल को डिनोट करेगा। दिखाई गई टेबल में आप पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज देख सकते हैं। कंजक्शन, कोई दो प्रिपोजिशंस पी तथा क्यू का कंजक्शन पी एंड क्यू होता है। पी एंड क्यू तभी ट्रू होगा जब दोनों पी तथा क्यू ट्रू होंगे। किसी एक की भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होने पर पी एंड क्यू भी फॉल्स होगा। उदाहरण में देखें, यदि पी आई गो टू स्कूल को तथा क्यू आई प्ले फुटबॉल को डिनोट करता हो तो पी एंड क्यू आई गो टू स्कूल एंड आई प्ले फुटबॉल को डिनोट करेगा। दिखाई गई टेबल में आप पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यूज देख सकते हैं। कंडीशनल, कोई दो प्रपोजिशंस पी तथा क्यू का कंडीशनल पी इंप्लाइज क्यू होता है। इसे आप इफ पी देन क्यू अथवा पी इज सफिशियंट फॉर क्यू अथवा क्यू इज नेसेसरी फॉर पी भी कह सकते हैं। उदाहरण में देखें, पी इंप्लाइज क्यू तीन तरीकों से लिखा गया है जो कि आपस में समान है। दिखाई गई टेबल में आप पी इंप्लाइज क्यू की ट्रुथ वैल्यूज देख सकते हैं। पी इंप्लाइज क्यू तभी फॉल्स होगा जब पी ट्रू हो तथा क्यू फॉल्स हो। बाकी सभी स्थितियों में P implies Q ट्रू होगा। बाय कंडीशन, कोई दो प्रपोजिशंस P तथा Q का बाय कंडीशनल P implies Q एंड Q implies P होता है, जिसे हम P if and only if Q भी कहते हैं। दिखाई गई टेबल में आप P बाय कंडीशनल Q की ट्रुथ वैल्यूज देख सकते हैं। वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला,
ऐसा स्टेटमेंट जिसे उससे छोटे स्टेटमेंट्स में ब्रेक न किया जा सके उसे एटॉमिक स्टेटमेंट कहते हैं। हर एक एटॉमिक स्टेटमेंट वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला कहलाता है। यदि पी एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला हो उसका नेगेशन भी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला होगा। यदि पी तथा क्यू वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है तो पी और क्यू, पी एंड क्यू तथा पी इंप्लाइज क्यू भी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला नहीं होगा। यदि कोई फॉर्मूला वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला नहीं है तो उसे वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला बनाने के लिए हम रूल ऑफ प्रेसिडेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख रहे हैं। सर्वप्रथम नेगेशन, फिर एंड, फिर और, फिर कंडीशनल तथा अंत में बाय कंडीशनल को प्रयोग करेंगे। वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि किसी कंपाउंड प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू निकालने में हमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम उसे वेल फाउंड फॉर्मूला कहते हैं, अन्यथा वह वेल फाउंड फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर दिए गए कंपाउंड प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए कौन से पार्ट की ट्रुथ वैल्यू पहले निकाली जाए यह नहीं दिया गया है, अतः यह वेल फाउंड फॉर्मूला नहीं है। रूल ऑफ प्रेसिडेंस का प्रयोग करने पर हमें दिखाया गया वेल फाउंड फॉर्मूला मिलता है। टोटोलॉजी, यदि किसी दिए गए प्रपोजिशन में उपस्थित सभी वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज के सभी कॉम्बिनेशंस के लिए प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो तो वह टोटोलॉजी कहलाता है। उदाहरण में देखें, पी और नेगेशन पी एक टोटोलॉजी है। कॉन्ट्रडिक्शन, यदि किसी दिए गए प्रपोजिशन में उपस्थित सभी वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज के लिए सभी कॉम्बिनेशन के लिए प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो तो वह कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है। उदाहरण में देखें, पी एंड नेगेशन पी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लॉजिकल इक्विवेलेंस, यदि किसी दिए गए दो प्रपोजिशंस में उपस्थित सभी वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज के सभी कॉम्बिनेशंस के लिए दोनों प्रपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यू समान हो तो दोनों प्रपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाते हैं। उदाहरण में देखें, P implies Q तथा नेगेशन P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर कई इक्विवेलेंस के फॉर्मूले दिखाए गए हैं जिनका प्रयोग किसी दो प्रपोजिशंस को बिना ट्रुथ टेबल बनाए इक्विवेलेंट दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण में देखें, हमने यहाँ पर इन्हीं इक्विवेलेंस नियमों का प्रयोग करते हुए दो प्रपोजिशंस को इक्विवेलेंट दिखाया है। टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, कोई प्रपोजिशन पी किसी दूसरे प्रपोजिशन क्यू को टोटोलॉजिकली इम्प्लाई करता है यदि जब कभी भी पी ट्रू हो तब क्यू भी ट्रू हो, अथवा पी इम्प्लाइज क्यू टोटोलॉजी हो। उदाहरण में देखें, पी एंड क्यू पी को टोटोलॉजिकली इम्प्लाई कर रहा है। पी एंड क्यू के ट्रू होने का अर्थ यह है कि इसमें दोनों के दोनों प्रपोजिशंस पी तथा क्यू ट्रू होंगे, अतः जब कभी भी पी एंड क्यू ट्रू होगा तो पी भी ट्रू होगा। इसी प्रकार पी जब कभी भी ट्रू होगा तो पी और क्यू भी ट्रू होगा, अतः कह सकते हैं कि पी टोटोलॉजिकली इम्प्लाइज पी और क्यू। यहां पर कुछ इम्प्लीकेशंस दिखाई गई हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट्स की एक ऐसी सीक्वेंस है जिसे हम प्रेमिसेस कहते हैं जो कि किसी कंक्लूजन को बता रही है। यदि H1, H2 अप टू HN तक ये प्रेमिसेस हैं तथा C कंक्लूजन हो, और यदि H1 एंड H2 एंड अप टू एंड HN सी को टोटोलॉजिकली इम्प्लाई कर रहा हो तो आर्ग्यूमेंट वैलिड कहलाता है। उदाहरण में देखें, दिया गया आर्ग्यूमेंट पी, पी इम्प्लाइज क्यू सेमीकोलन क्यू वैलिड है। यहां पर पी तथा पी इम्प्लाइज क्यू प्रेमिसेज हैं तथा क्यू कॉन्क्लूजन है,
पूर्व में बताई गई इंप्लीकेशंस में मॉडस पोनेंस रूल को आप देखें तो पाएंगे कि p एंड p इंप्लाइज q, टोटोलॉजिकली इंप्लाइज q, अतः यह आर्ग्यूमेंट वैलिड है। एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर एक आर्ग्यूमेंट इफ आई गो टू स्कूल देन आई प्ले, आई गो टू स्कूल देयर फोर आई प्ले दिया हुआ है। हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। हमने पी से आई गो टू स्कूल को रिप्रेजेंट किया है तथा क्यू से आई प्ले को रिप्रेजेंट किया है। यहां पर एच वन पी इंप्लाइज क्यू होगा, एच टू पी होगा तथा सी क्यू होगा। हमने एच वन एंड एच टू इंप्लाइज सी की ट्रुथ टेबल बनाई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी सभी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हैं, अतः यह वैलिड आर्ग्यूमेंट है। प्रेडिकेट्स, यदि हम यहां पर दिखाए गए तीन सेंटेंसेस को देखें तो तीनों में इज ए स्टूडेंट यह पार्ट कॉमन है। यदि हम इसको इस तरह से लिखें कि पी एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट, जहां एक्स स्टूडेंट के सेट को बिलोंग करता हो, तो इज ए स्टूडेंट प्रेडिकेट तथा स्टूडेंट्स का सेट एक्स के लिए यूनिट्स ऑफ डिस्कोर्स कहलाएगा। पी एक्स को हम प्रेडिकेट ऑन एक्स भी कह सकते हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स प्रेडिकेट में दिए गए वेरिएबल को क्वांटिफाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको कि हम फॉर ऑल से दिखाते हैं। दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको कि हम देयर एग्जिस्ट से दिखाते हैं। फॉर ऑल एक्स पी एक्स का अर्थ पी एक्स एक्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है तथा देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स का अर्थ पी एक्स एक्स की कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू है। यदि पी एक्स एक्स इज एन इवन नंबर तथा ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हो तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स फॉल्स होगा तथा देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स ट्रू होगा। एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर हमें ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल को सिंबोलिक फॉर्म में लिखना है। इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं, पहला यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स मानते हुए तथा दूसरा बिना यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स माने हुए। पहले तरीके में हमने माना कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स तथा px x इज ए स्टूडेंट, अतः सिंबोलिक फॉर्म फॉर ऑल x px होगी। दूसरे तरीके में हमने माना कि px x इज स्टूडेंट तथा qx x इज टॉल, अतः सिंबोलिक फॉर्म फॉर ऑल एक्स पी एक्स इंप्लाइज क्यू एक्स होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहां पर हमें सम बॉयज आर इंटेलिजेंट को सिंबोलिक फॉर्म में लिखना है। इसे भी हम दो तरीकों से करेंगे। पहले तरीके में हमने माना कि एक्स सेट ऑफ बॉयज तथा पी एक्स एक्स इज इंटेलिजेंट, अतः सिंबोलिक फॉर्म देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स होगी। दूसरे तरीके में हमने माना कि पी एक्स एक्स इज ए बॉय तथा क्यू एक्स एक्स इज इंटेलिजेंट, अतः सिंबोलिक फॉर्म देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स होगी। यहां पर एंड इसलिए आया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं। इस लेक्चर में हमने प्रपोजिशन, विभिन्न प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, इक्विवेलेंस, इम्प्लीकेशन, आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट तथा प्रेडिकेट्स के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम सेट थ्योरी के बारे में सीखेंगे।